वेलकम बैक चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ तो ये हमारा कोड है कोड के साथ ही यहाँ पे एड्रेस फाइलें भी ओपन हुई हुई हैं कीपैड की भी और साथ ही लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी की भी एड्रेस फाइलें ओपन हुई हुई हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने ईप्रोम की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है ईप्रोम कंट्रोलर की ऐसी मेमोरी होती है जिसको कंट्रोलर खुद से रीड राइट कर सकता है तो इस कोड के अंदर हमने ईप्रोम जो हम पासवर्ड चेंज कर रहे होते हैं उस पासवर्ड को स्टोर रखने के लिए यूज की हुई है इसके बाद कीपर की हेडर की कॉल कराई हुई है इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल आई टू सी की हाइड्रोफलिंग कॉल कराई हुई है इसके बाद आई टू सी मेड्यूल का एड्रेस दिया हुआ है आई टू सी एल सी डी पे हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हुए हैं जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा इस एड्रेस के बारे में आपको वहां से पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एल सी डी का एड्रेस हम कैसे सेट कर रहे होते हैं इसके बाद सिक्सटीन क्रॉस टो की एल सी डी नीचलाइज की हुई है इसके बाद बजर के लिए थर्टीन पिन नीचलाइस की हुई है इसके साथ ही डोर ओपन की पिन हमने टेन नीचलाइस की हुई है डोर क्लोज करने के लिए हमने पिन 9 निचलाइज की हुई है जो की हमारे एल्टो नाइन एट मोटर ड्राइवर को जा रही होती है इसके साथ हमने कीपैड के लिए रो और कॉलम डिसाइड किए हुए हैं फोर रोज हमने रखी है और थ्री कॉलम्स हैं तो यहाँ पर हमने कीपैड का जो डाटा हमने गेट करना है उसको निचलाइज किया हुआ है जैसे कि रो वन और कॉलम वन को प्रेस करने पे वन जनरेट होगा इसी तरह ही रो वन और कॉलम टू पे टू जनरेट होगा और रो वन और कॉलम थ्री से थ्री जनरेट होगा इसी तरह ही रो टू और कॉलम वन पे फोर जनरेट होगा तो ये हमने डेटा सेट जनरेट किया हुआ है कीपैड का इसके साथ हमने कीपैड के लिए रोज और कॉलम्स की पिनें निचलाइज की हुई है तो यहाँ पर हमने रोज के लिए टू थ्री फोर फाइव पिन की हुई है और कॉलम्स के लिए सिक्स सेवन एट पे नीचलाइज की हुई है इसके बाद की हेडर फाइलों में जो पर हमने कीपैड के लिए डेटा सेट बनाए हैं वो कॉल हो रहे हैं साथ ही रोज और कॉलम्स की पिने कॉल हो रही हैं और साथ ही रोज और कॉलम्स कॉल करवाए हुए हैं इसके साथ हमने यहाँ पे वेरिएबल्स नीचलाइज की हुई है जो नीचे यूज हो रही है और इसके बाद यहाँ पर हमने सेट टाइम की वेरिएबल नीचलाइज की हुई है यहाँ पर हमने डिले सेट करना है कि कितनी देर के लिए हमने डोर को ओपन रखना है यहाँ पर हमने सेट टाइम को इक्वल किया हुआ है 8 तक है तक ओपन रहता अगर आपने टाइम को चेंज करना होगा तो यहाँ से टाइम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं जैसे कि अगर हमने टेन सेकेंड करना होगा तो यहाँ से आपने इस वेरिएबल को टेन के इक्वल कर देना है तो अभी हमारा डोर टेन सेकेंड तक ओपन रहेगा इसके बाद डोर क्लोज हो जाएगा इसके बाद अवॉइड सेटअप है और वर्ड सेटअप में सबसे पहले एल टू नाइन एट के लिए जो पिन चलाइज की हुई है डोर ओपन क्लोज करने के लिए आउटपुट मोड में चलाइज की हुई है इसके बाद बजर की पिन भी आउटपुट मोड में चलायज की हुई है इसके बाद एलसीडी नीचलाइज की हुई है एलसीडी की बैक लाइट ऑन की हुई है इसके बाद फर्स्ट मैसेज एलसीडी पे डिस्प्ले किया हुआ है टू थाउजेंड मिली सेकंड ले के लिए इसके बाद टू थाउजेंड मिली सेकंड ले के बाद एलसीडी क्लियर करके सेकंड मैसेज एलसीडी पे डिस्प्ले किया हुआ है टू थाउजेंड मिली सेकंड ले के लिए इसके बाद एल क्लियर की हुई है और साथ ही एलसीडी के ऊपर प्रिंट किया हुआ है इंटर पासवर्ड और साथ ही हमने इप्रोम का हंड्रेड वाला एड्रेस रीड किया हुआ है ईप्रोम का हंड्रेड एड्रेस अगर जीरो तो इसका मतलब ये है कि कोड फर्स्ट टाइम निचलाइज हो चुका हुआ है अगर अपने अडिनो के अंदर कोड फर्स्ट टाइम अपलोड करना है तो उस कंडीशन के ऊपर ये एड्रेस 255 फिफ्टी फाइव की इक्वल होगा तो जब ये 255 फिफ्टी फाइव की इक्वल होगा तो उस कंडीशन के ऊपर इसने फर्स्ट टाइम बाय डिफॉल्ट वाला पासवर्ड ईप्रोम सेव करवाना है जो कि हमने वन टू थ्री फोर सेव किया हुआ है इसके बाद साथ ही हमने यहाँ पे अंडर एड्रेस पे जीरो सेव कर लेना है अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोड हमारा रन हुआ होगा तो ई के हंड्रेड एड्रेस से हमें जीरो रीड होगा तो उस कंडीशन के ऊपर इसने कुछ भी नहीं करना है इसके बाद पासवर्ड रीड करने के लिए हमने फॉलो अप रन किया है तो यहाँ पर हम ई के जीरो वन टू थ्री एड्रेस से हम पासवर्ड रीड कर रहे होते हैं इसके साथ ही हमने स्टार्ट में डोर को क्लोज करने के लिए डोर की क्लोज पिन पे हाई राइट किया हुआ है टू थाउजेंड मिली सेकेंड के लिए इसके बाद डोर ओपन और डोर क्लोज की पिन को लो किया हुआ है अगर अब डोर स्टार्ट में ओपन पोजिशन में होगा तो स्टार्ट में हम डोर को क्लोज कर रहे होते हैं इसके बाद यहाँ पर हम अवर्ल्ड लो में आ जाते हैं अवर्ड लो में सबसे पहले हम कीपैड की कीज गेट कर रहे हैं और इसको हम की पासवर्ड की वेरिएबल के वे इक्वल कर रहे हैं इसके साथ ही हमने की पासवर्ड की वेरिएबल पर चेक लगाया हुआ है अगर की पासवर्ड की वेरिएबल एश के इक्वल होगी उस कंडीशन के ऊपर हमने पासवर्ड को चेंज करने के लिए चेंज का फंक्शन कॉल कराया हुआ है इसके साथ ही हमने अकाउंट की वेरिएबल पर चेक लगाया हुआ है तो पासवर्ड एंटर करने के लिए जब भी हम किसी भी की को प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर अकाउंट की वेरिएबल में एक वैल्यू ऐड हो जाती है तो जैसे ही हमारे फोर डिजिट कंप्लीट होते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर हम इस फंक्शन के अंदर जाते हैं तो इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम ईप्रोम से करंट पासवर्ड गेट कर रहे होते हैं इसके बाद जो हमने पासवर्ड एंटर किया है उसके साथ मैच करते हैं अगर तो पासवर्ड हमारा मैच हो जाता है उस कंडीशन के ऊपर सबसे पहले हमने चेक की वेरिएबल को जीरो किया हुआ है तो चेक की वेरिएबल जब भी हम रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर रहे होते हैं तो चेक की वेरिएबल में एक वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है तो जैसे ही थ्री अटेम्प होती हैं तो उस कंडीशन के ऊपर एक कॉन टाइम टाइमर रन हो जाता है इसके बाद एल क्लियर की हुई है और साथ ही हमने एल की फर्स्ट लाइन पे प्लीज वेट प्रिंट किया हुआ है और सेकंड लाइन में हमने डोर इज ओपनिंग प्रिंट किया हुआ है और साथ ही हम डोर को ओपन करने के लिए ओपन की पिन पे हाई राइट right कर रहे होते हैं और क्लोज की पिन पे लो राइट right कर रहे होते हैं और 2000 थाउजेंड मिली सेकेंड ले तक मोटर हमारी क्लॉक की तरफ मूव होती है तो डोर हमारा ओपन हो जाता है इसके बाद 2000 थाउजेंड मिली सेकेंड ले के बाद डोर ओपन और डोर क्लोज की पिन पे हमने लो राइट right किया हुआ है इसके साथ एल क्लियर की हुई है और फर्स्ट लाइन में वेलकम प्रिंट किया हुआ है सेकेंड लाइन पे डोर इज ओपन प्रिंट किया हुआ है इसके साथ हमने यहाँ पे फार्लूप रन किया हुआ है तो इस फार्लूप के अंदर हमने

तो 10 सेकंड का डिले बनेगा यानी कि 10 सेकंड तक डोर हमारा ओपन रहेगा इसके बाद जैसे ही फॉर्मुप कंप्लीट होगा तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एलसीडी क्लियर करनी है और फर्स्ट लाइन पे प्लीज वेट प्रिंट करना है और सेकेंड लाइन पे डोर इज क्लोजिंग प्रिंट करना है और साथ ही डोर को क्लोज करने के लिए क्लोज की पिन पे हाई राइट किया हुआ है 2000 थाउजेंड मिली सेकेंड रिले तक मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव होगी तो डोर हमारा क्लोज हो जाएगा इसके बाद डोर ओपन और डोर क्लोज की पिन पे लो राइट किया हुआ है इसके साथ ही का डिले है डिले के बाद LCD क्लियर की हुई है और एल पे इंटर पासवर्ड प्रिंट किया हुआ है और साथ ही काउंट की वेरिएबल को जीरो कर दिया हुआ है अब जैसे ही हम उनको नेक्स्ट की देंगे काउंट की वेरिएबल में वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और जैसे ही काउंट की वेरिएबल फोर की कल होगी तो यानी कि हमने फोर डिजिट का पासवर्ड इंटर कर लिया हुआ है तो उस कंडीशन के ऊपर पासवर्ड चेक होगा अगर पासवर्ड मैच हो गया तो उस कंडीशन के ऊपर ये वाला फंक्शन कॉल होगा अगर पासवर्ड मैच नहीं होगा तो इसने एल्स में आ जाना है और यहाँ पर हमने चेक की वेरिएबल में एक वैल्यू इंक्रीज कर देनी है और साथ ही एल को क्लियर करके एल की फ़र्स्ट लाइन पे रॉन्ग पासवर्ड और साथ ही हमने सेकेंड लाइन में प्रेस एश टू चेंज यानी कि पासवर्ड चेंज करने के लिए ऐश प्रेस करें और इसके साथ ही हमने चेक की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है अगर चेक की वेरिएबल थ्री की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने चेक की वेरिएबल को जीरो किया हुआ है और साथ ही हमने एल की फर्स्ट लाइन पे प्लीज वेट प्रिंट किया हुआ है और यहाँ पर हमने डिक्रीज में लूप रन किया हुआ है टेन से जीरो की तरफ और सेकेंड लाइन में हमने टाइम और इसके बाद जो लूप की वेरिएबल है उसको शो किया हुआ है तो इस लूप के अंदर हमने बजर की पिन पे हाई राइट right किया हुआ है फाइव हंड्रेड मिली सेकेंड के लिए और साथ ही हमने 500 हमें वेट करना पड़ता है अगर इस वेट के टाइम को हम इंक्रीज करना चाहते है तो यहाँ से इस फॉर्लुप की वेरिएबल को हम इंक्रीज करेंगे अगर हमने इस डिले को कम करना होगा तो इस फार्लुप की वेरिएबल को हम डिक्रीज करेंगे अगर चेक की वेरिएबल थ्री से ड्रॉप है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है यहाँ पर हमने बजर को सिर्फ थाउजेंड मिली सेकंड ले के लिए ऑन किया हुआ है फर्स्ट टाइम रॉन्ग पासवर्ड एंटर करेंगे थाउजेंड मिली सेकंड ले के लिए बजर एक्टिव होगी और इसके बाद बजर लो हो जाएगी इसी तरह ही जब हम सेकंड टाइम रॉन्ग पासवर्ड एंटर करेंगे तो तब भी थाउजेंड मिली सेकेंड ले के लिए बजर ऑन होगी इसी तरह ही जैसे हम थर्ड टाइम रॉन्ग पासवर्ड एंटर करेंगे तो उस कंडीशन के ऊपर जो ऊपर जरूर फार्लुप रन किया हुआ है उस फार्लूप के अंदर चले जाएंगे और वहां पर हम दस सेकेंड का वेट करेंगे और फिर दोबारा से एल क्लियर करके एल के ऊपर इंटर पासवर्ड प्रिंट कर देंगे और साथ ही काउंट की वेरिएबल को जीरो कर देंगे अब हम नेक्स्ट फिर न्यू पासवर्ड इंटर करने के लिए चले जाएंगे इसके बाद अगर हम की से जीरो से नाइन के दरमियान कोई भी की प्रेस करेंगे तो हमने पासवर्ड की वेरिएबल के अंदर उस की को स्टोर करना है और अगर हम कोई रॉन्ग की प्रेस कर देते हैं तो उसके लिए हम स्टार प्रेस कर रहे होते हैं तो जब भी हमने स्टार प्रेस करना है तो पासवर्ड के अंदर जो वेरिएबल हमने स्टोर की है उसमें से एक वेरिएबल माइनस हो जाएगी और साथ ही बज़र हमने इंडिकेशन के लिए रखी हुई है कोई भी की हम प्रेस करेंगे तो बज़र हमारी हंड्रेड मिली के लिए हाई रहती है इसके बाद नीचे लू पैंड पे हमने जाके बज़र को लो किया हुआ है तो अगर हम स्टार के अलावा कोई भी की प्रेस करेंगे तो इसने एल्स में जाना है उस की को हम पासवर्ड की वेरिएबल के इक्वल करते जाएंगे जैसे कि हमने फर्स्ट की प्रेस की तो काउंट की वेरिएबल को हम वन कर देते हैं तो पासवर्ड के अंदर हम वन एड्रेस पे फर्स्ट की स्टोर कर रहे होते हैं इसी तरह ही जैसे हम नेक्स्ट को की प्रेस करेंगे तो काउंट की वेरिएबल में एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी यानी कि पहली की हमने वन पे स्टोर की होगी इसी तरह ही नेक्स्ट कोई बटन प्रेस करने पे दूसरी की हम टू पे स्टोर करेंगे थर्ड की हमारी थ्री पे स्टोर होगी और फोर्थ की हमारी फोर पे स्टोर होगी एल के फाइव करेक्टर में काउंट की वेरिएबल को इंक्रीज करते जा रहे हैं जैसे हम कोई भी की एंटर करते हैं तो फर्स्ट की इंटर करने पे काउंट की वेरिएबल वन पे चली जाती है यानी कि सिक्स करेक्टर पे हमने पहला स्टार प्रिंट किया हुआ है इसी तरह ही जैसे हम नेक्स्ट की प्रेस करते हैं तो काउंट की वेरिएबल टू पे चली जाती है और फाइव प्लस होने पे सेवन पे दूसरा स्टार एट पे तीसरा स्टार और इसके बाद नाइन पे फोर्थ स्टार प्रिंट हो जाता है इसके साथ ही हमने बजर के पिन पे हाईलाइट किया हुआ है जीरो टू नाइन कोई भी की हम प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन के ऊपर बजर इंडिकेट करेगी कि की हमारी प्रेस होगी हुई है इसके बाद लूप एंड पे हमने बजर के पिन पे लो राइड किया हुआ है तो कोई भी की हम प्रेस करते हैं बजर हमारी हाई हो जाती है और लूप एंड पे जाके हम बजर के पिन पे लो राइड कर देते हैं तो बजर ऑफ हो जाती है इसके बाद पासवर्ड चेंज करने के लिए चेंज का फंक्शन है इसके अंदर हमने स्टार्ट में ही एलसीडी की फर्स्ट लाइन पे करंट पासवर्ड प्रिंट किया हुआ है यानी कि हम स्टार्ट में करंट पासवर्ड एंटर करेंगे अब इसके बाद हमने एक वॉयल जनरेट किया हुआ है अगर जे की वेरिएबल फोर से ड्रॉप होगी तो उस कंडीशन के ऊपर उसने इसी वॉयल के अंदर रहना है इस वॉयल के अंदर हमने की से की गेट की हुई है और यहाँ पर हमने इस की को की की वेरिएबल के इक्वल किया हुआ है अब इस वेरिएबल को हम न्यू पासवर्ड की वेरिएबल के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं और साथ ही एलसीडी के ऊपर इस की को प्रिंट कर रहे होते हैं और जैसे ही फोर की हमारी कंप्लीट हो जाती हैं कंप्लीट होने के बाद ये वॉयल ब्रेक होता है और यहाँ पर हमने की की वेरिएबल को ज़ीरो कर देना है और साथ ही 500 हंड्रेड मिली सेकेंड कट ले है 500 हंड्रेड मिली सेकेंड ले के बाद जो पासवर्ड हमने एंटर किया है उसको हम करंट पासवर्ड के साथ मैच करेंगे अगर तो करंट पासवर्ड के साथ ये मैच हो जाता है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने एल्स में जाना है और अगर ये पासवर्ड मैच नहीं होता है तो उस कंडीशन के ऊपर एल्स क्लियर करके एल सी डी पे रॉन्ग पासवर्ड ट्राई अगेन प्रिंट कर देना है और साथ ही ये फंक्शन ब्रेक होके वापस लूप में चला जाएगा अगर पासवर्ड मैच हो जाता है तो उस कंडीशन के ऊपर हम एल्स में आते हैं और यहाँ पर हमने जे की वेरिएबल को जीरो किया हुआ है और साथ ही हम एल सी डी को क्लियर करके एल सी डी की फर्स्ट लाइन पे प्रिंट कर रहे होते हैं न्यू पासवर्ड अब हम यहाँ पे न्यू पासवर्ड एंटर करेंगे और तो यहाँ पर भी हमने न्यू पासवर्ड एंटर करने के लिए एक वर्ल्ड जनरेट किया हुआ है जब तक जे की वेरिएबल फोर से ड्रॉप है तो उस कंडीशन तक हम इस वर्ल के अंदर ही रहेंगे तो यहाँ पर भी हमने की पैड से की गेट की हुई है और इस यहाँ से हम की की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं यहाँ पर हम जो भी की प्रेस करेंगे उसको हम इनिशियल पासवर्ड की वेरिएबल के अंदर स्टोर करते जाएंगे और साथ ही एलसीडी पे प्रिंट होती जाएगी और साथ ही ईप्रोम में की की वेरिएबल स्टोर करते जाएंगे और कोई भी की हम प्रेस करेंगे तो जे की वेरिएबल इंक्रीज होती जाएगी और जैसे ही जे की वेरिएबल फोर के इक्वल जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर ये वॉयल ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद एल क्लियर की हुई है और एल की फर्स्ट लाइन पे पासवर्ड चेंज प्रिंट किया हुआ है थाउजेंड मिली सेकेंड ले के लिए इसके बाद एल क्लियर की हुई है और एल की फर्स्ट लाइन पे इंटर पासवर्ड प्रिंट किया हुआ है और साथ ही की पासवर्ड की वेरिएबल को जीरो के इक्वल किया हुआ है तो ये था हमारा कोड चलिए अब इसको अडिनो में अपलोड कर लेते हैं यहां से आपने टूल्स में जाना है टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है अडिनो यूनो बोर्ड कन्फर्म करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है डन अपलोडिंग कोड मारा अपलोड हो गया हुआ है अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपनी राय समय कमेंट्स में जरूर आगा करें और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे चलिए अब आपको हार्डवेयर का और दे देता हूँ